हे गाइस, आज की वीडियो में हे गाइस स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनिल सर आईटीआई में। आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में, जो कि आपके आईटीआई के फर्स्ट ईयर के लिए है। और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में इसके सवाल पूछे जाते हैं डिग्री से, तो हम सीखेंगे डिग्री होता क्या है, इसका डिग्री बनाते कैसे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने पहले हम आपको बताते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनिल सर आईटीआई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एक घोड़ा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, द हॉर्स इज ए टॉल एनिमल। इसको हम बोल सकते हैं हॉर्स एक लंबा जानवर है, यहाँ पर तो यही है। दूसरा देखते हैं कैमल, क्या है कैमल, इसको हम बोल सकते हैं द कैमल इज टॉलर देन द हॉर्स। हम बोल सकते हैं कि ये जो कैमल है, ऊँट है, घोड़े से लंबा है, ऐसा बोल सकते हैं। ये है जिराफ, जिराफ है, द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। ये जो है सभी जानवरों से ये लंबा होता है, द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, हो सकता है मतलब सभी से। अब देखिए, इसके ध्यान से बातें समझिए, यहाँ पे जो घोड़ा है वो एक टॉल है, बस इसकी विशेषता बता दें कि ये एक लंबा जानवर, इसकी विशेषता हुई। और यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है ऊँट को, किस से ऊँट कंपेयर किया जा रहा है, तो घोड़े से, कि टॉलर देन, लंबा तो है लेकिन किससे लंबा है, किससे टॉल है, तो वो है हॉर्स से। और यहाँ पर जिराफ को भी क्या क्या है कंपेरिजन किया जा रहा है, सभी जानवरों से ये सभी जानवर से टॉलेस्ट है। मतलब घोड़ा है जो इसको, उसकी क्या बताई गई, उसकी सिर्फ विशेषता बताई गई, और ऊँट की, जिराफ की क्या बताई गई, विशेषता ही नहीं, कंपेयर किया गया और भी दूसरे जानवरों से। तो इसी को हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। कंपैरिजन मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब इनकी विशेषताओं को कंपेयर करना किसी और चीज़ों से। तो देखिए, इसको कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं। विशेष एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है, किसी की विशेषता को कंपेयर करना किसी और किससे, किसी और भी जानवर से, किसी और व्यक्ति से, किसी और थिंग से, किसी भी कोई भी चीज़ हो सकता है। आगे देखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु के कोई भी गुण किसी मात्रा में, कितनी मात्रा में, इसकी तुलना को है, इसकी तुलना को हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। हम लोग ने तुलना किया ना, टॉल देखा कैमल को, जिराफ को, घोड़े से हम लोग ने, और भी दूसरे दूसरे जानवर से हम कंपैरिजन किए, तुलना किए कि कौन लंबा है, कौन बड़ा है, ऐसे देखेंगे तो होगा कंपैरिजन होगा। जैसे कहेंगे कि वो देखो कोई लड़का है तो वो मोट, वो देखो नाम रखते हैं राहुल है, सोहन है, तो देखो राहुल सोहन से मोटा है, मोटा तो है सोहन, मोटा है लेकिन राहुल सोहन से भी मोटा है, तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे। देखिए, डिग्री तीन प्रकार का होता है, तो वो जो घोड़े वाला जो कंपैरिजन हुआ, कंपैरिजन नहीं हुआ, उसकी विशेषता बताई गई, पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। उन और पॉजिटिव डिग्री क्या होता है कि जब कोई एडजेक्टिव एडवर्ब अपने सरल रूप में रहता है उसे पॉजिटिव डिग्री में समझा जाता है। जैसे कि कोई नॉर्मल है, किसी से कंपेयर नहीं करना है, कोई नॉर्मल एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे गुड, ओल्ड, फैट, बिग, स्वीट, स्ट्रॉन्ग, स्लोली, और भी जितने होंगे, टॉल, लॉन्ग, जितने भी एडजेक्टिव हैं, नॉर्मल एडजेक्टिव जो है एडवर्ब है उसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। और होता है कंपेरेटिव डिग्री जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब से दो या वस्तुओं के गुणों की तुलना किया जाता है, जो उसकी विशेषता होता है, गुण होता है उसके अंदर, उसको तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, उसको कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं, दो व्यक्तियों के बीच। और देखिए, हमेशा जो कंपेरेटिव डिग्री होगा दो ही लोगों के बीच कंपेयर किया जाएगा, दो वस्तुओं के बीच में, दो जानवरों के बीच में, कोई भी दो चीज़ों के बीच में। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, बेटर होता है, ओल्डर होता है, इसे कह सकते हैं। देखिए, रोहित इज बेटर देन राहुल, मोहन इज बेटर देन एनी अदर पर्सन। उसी तरह बोल सकते हैं कि जैसे कि द कैमल इज टॉलर देन ए हॉर्स, ठीक है, या बोल सकते हैं कि रैबिट इज फास्टर देन
फास्टर देन टॉर्टोज, या बोल सकते हैं टॉर्टोज इज स्लोअर देन रैबिट्स, ये बोल सकते हैं। अब तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब के तीन या तीन से अधिक वस्तु व्यक्तियों की तुलना किया जाता है। जैसे कि सुपरलेटिव मतलब तीन या तीन से अधिक ही नहीं जितने हैं, जैसे यहाँ पर हमने जिराफ को सुपरलेटिव डिग्री रखा है, तो जिराफ को हमने सभी जानवरों से कंपेयर किया था। कंपेयर यहाँ पर भी होगा, लेकिन ये तीन या तीन से अधिक व्यक्ति वस्तु जानवर या कोई भी चीज़ों से किया जाएगा तो तीन से अधिक ही होगा, तीन या तीन से अधिक। जैसे कि हमने द जिराफ इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, जितने भी जानवर से हैं उन सभी में जिराफ क्या है, लंबा है। उसी तरह मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कह सकते हैं कि इसमें देखो रोहित जो है सभी बच्चों से बड़ा है, सभी बच्चों में उम्र में काफ़ी बड़ा है। कह सकते हैं कोई मोहन है, मोहन है तो मतलब पूरे क्लास में सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है, बहुत ही ब्रेव है, कोई है तो बहुत ही ब्रेव है सभी बच्चों में। उसी तरह कह सकते हैं कि मान लीजिए अपने परिवार में कोई सबसे बड़ा बुजुर्ग आदमी हो तो बोल सकते हैं ये हमारे दादाजी हैं जो सबसे ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट पर्सन इन आवर फैमिली। उसी तरह आपके कोई दोस्त में कोई ग्रुप में होगा कि देखो ये मेरा बहुत ही सबसे अच्छा दोस्त है, तो उसको हम बोल सकते हैं बेस्ट फ्रेंड। उसी तरह हम लोग आगे यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। उम्मीद है आपको तीनों समझ में आया होगा, या फिर से दोहरा देते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री होता है नॉर्मल एडजेक्टिव, नॉर्मल तुलना करते हैं यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए फैट, यू आर ओल्ड, ये सब जो होगा उसकी विशेषता तो बताई जाएगी, लेकिन बस बस उसकी विशेषताएं बताई जाएगी। कंपेरेटिव डिग्री में दो लोग होंगे, दोनों के बीच से तुलना किया जाएगा कि देखो तुमसे मैं जो हूँ अच्छा हूँ, बेटर हूँ, तुमसे मैं ओल्डेस्ट हूँ और स्ट्रांगर हूँ। या सुपरलेटिव डिग्री में होगा तीन लोग होंगे वहाँ पे, या तीन लोगों से अधिक, या तीन वस्तुओं, तीन व्यक्तियों से अधिक की तुलना की जाती है। तीन लोग या तीन लोग से अधिक, वहाँ पे आप एक ग्रुप है जहाँ तीन लोग हैं, तीन दोस्त हैं, तीनों में आप कहेंगे देखिए ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब तीनों में से जितने भी दोस्त हैं सभी में से एक है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपेरेटिव टू सुपरलेटिव। कंपेरेटिव डिग्री है तो उसको सुपरलेटिव कैसे करें, नहीं फॉर्मेशन ऑफ कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, मतलब आपको जो पॉजिटिव डिग्री है उसको हम कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे लिखें। तो एक सिलेबल के एडजेक्टिव में आर या ई आर जोड़कर कंपेरेटिव डिग्री बना सकते हैं, तथा एस टी या ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं जिसका सिलेबल एक हो। जैसे ब्राइट है, ब्राइट में सिर्फ एक ही सिलेबल है, जितने भॉवल दिख रहे हैं ना ब्राइट में एक भॉवल है, तो मतलब एक सिलेबल है जी। तो देखिए आगे और देखते हैं ब्राइटर, ब्राइट के में ई आर जोड़ दिया है तो ब्राइटर हो गया, और ब्राइटेस्ट ई एस टी जोड़ दिया गया तो हो गया ब्राइटेस्ट। उसी तरह ब्लैक है, ब्लैक में भी एक ही सिलेबल है, ए है देख रहे हैं, इसमें ब्लैक को ब्लैकर कर देते हैं ब्लैकेस्ट। और बोल्ड है, ये सब एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हम सिर्फ ये नॉर्मल एडजेक्टिव है, ये जैसे कि बोलते हैं आइसक्रीम ठंडा है, कोल्ड है, तो कोल्ड ही बोलते हैं नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री में। अब कोल्डर देन अदर आइसक्रीम, या कोल्डेस्ट ऑफ कोल्डेस्ट आइसक्रीम, कोई आइसक्रीम हुआ जो बहुत ही ठंडा रहता हो तो बोल सकते ये बहुत ही ठंडा रहता है, तो कोल्डेस्ट कोल्डेस्ट आइसक्रीम हो जाएगा। क्लेवर बोलते ये बहुत ही चालाक आदमी है, क्लेवर आदमी है, और क्लेवरर है जैसा बोल दें दो लोग हैं कि देखो सोहन और रोहन है, तो रोहन बहुत ही क्लेवरर देन सोहन, रोहन क्लोवर क्लो क्लेवरर देन सोहन। उस तरह बोल सकते हैं सोहन इज क्लेवरेस्ट देन अदर पर्सन, ऑल ओवर पर्सन, या ऑल अदर पर्सन। फास्ट है, फास्टर फास्टेस्ट होता है। ग्रेट है, ग्रेटर ये लगा दें ग्रेटर ग्रेटेस्ट। हाई है, हाईयर हाईएस्ट, हाईयर हाईएस्ट हो जाएगा। काइंड है, चिल्ड्रन नहीं हो, काइंड काइंड काइंडर काइंड ये रॉन्ग है, चिल्ड्रन लिखा है रॉन्ग, वहाँ पर गलती है।
लॉन्ग है लॉन्गर लॉन्गेस्ट हो जाएगा, रिच है रिचर रिचेस्ट हो जाएगा, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, स्वेट स्वेटर स्वेटेस्ट, यंग है यंगर यंगेस्ट। ये सब आपको बस एक पॉजिटिव डिग्री और इसको समझ लीजिएगा तो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाना आसान हो जाएगा। और भी फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि यदि कोई पॉजिटिव डिग्री है, कोई एडजेक्टिव है, उसके अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, याद रखिएगा, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो और वाई वाई को आई में बदलने के बाद ईआर जोड़ दिया जाता है तो कंपेरेटिव बन जाएगा, और आई को में बदल कर और ईएसटी जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव हो जाएगा। तो कैसे होगा वो देखते देखिए। जैसे कॉस्टली है, कॉस्टली मतलब कीमती होता है, कोई भी चीज़ क्यों कॉस्टली बोलते हैं ना, ये देखो ये जो है बहुत ही कॉस्टली है, ये देखना अच्छे से ले जाना। तो ये बोल रहे हैं देखो दो चीज़ हैं, ये ग्लास है और ये वुड है, दोनों में ग्लास जो है बहुत ही कॉस्टलियर है, सो ध्यान से लेकर जाना। अब सुपरलेटिव है, मान लो वहाँ पे कोई डायमंड रखा हुआ है तो कहेंगे इन दिस शॉप, इन दिस शॉप डायमंड इज द कॉस्टलीस्ट थिंग इन ऑल ओवर थिंग। ड्राई है, ड्राई को ड्राइयर वाई को हटा दिया गया, देखा वाई के पहले जो आर है, आर कॉन्सोनेंट है तो वाई को आर आई में बदल कर ई आर लगा देंगे तो कंपरेटिव हो जाएगा, और आई वाई को आई बनाकर ई एस टी जोड़ देंगे तो ड्राइएस्ट हो जाएगा। सुपरलेटिव मतलब सूखा होता है, बहुत ज़्यादा सूखा, फिर बहुत ही ज़्यादा सूखा। इजी है, इजी मतलब आसान होता है, इजी और इजीएस्ट हो गया। हैप्पी है, हैप्पी को पी है जो कि आपका कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में बदल कर आई ई आर लगा दिए और तो कंपरेटिव हो जाएगा, और वाई को आई में बदल कर ई एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव। उसी तरह मैरी है, सिली है, होली है, वेल्दी है, सबको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। याद करना नहीं, बस रूल समझ लीजिएगा तो कैसा भी आएगा अगर कम पॉजिटिव डिग्री तो कंपेरेटिव सुपरलेटिव आसानी से बना देंगे। आपके एग्ज़ाम में एक या दो एक आते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में एक आ ही जाता है फॉर्मेशन करने के लिए कि इनमें से कौन सा है जो ड्राई का कंपेरेटिव डिग्री है, तो अगर आपको याद होगा समझे रहेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। तीसरा फॉर्मेशन देखते हैं, जब एडजेक्टिव के अंत में एक कॉन्सोनेंट होता है और उसके पहले वॉवल हो तो अंत में कॉन्सोनेंट को डबल करने बाद ई आर जोड़ देते हैं तो कंपेरेटिव बन जाएगा, और डबल करके ई एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। पीछे हमने देखा था कॉन्सोनेंट में एडजेक्टिव में कॉन्सोनेंट के पहले कॉन्सोनेंट हो उसके पहले वॉवल हो, तो नहीं हमने वाई देखा था, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तो हम चेंज करते थे आई को ई आर में, तो यहाँ पर चेंज करते हैं ई आर में, लेकिन कुछ हटाना नहीं है। जैसे कि बिग है, बिग के पहले भावेल है, जी तो है कॉन्सोनेंट, जी के पहले आई जो है भावेल है तो बिग को हम बिगर कर देते हैं, जी को डबल करके डबल जी ई आर बिगर कंपेरेटिव हो जाएगा। जैसे कि आपके दो भाई हैं और कोई इंट्रोड्यूस करा रहा है आप दोनों को, देखिए कहें ये दोनों में ये जो मोहित है रोहित से बड़ा है तो बिगर देन रोहित, मोहित जो है रोहित से, मोहित बड़ा है तो मोहित बिगर देन किससे, तो रोहित, रोहित उससे बड़ा है तो मोहित इज बिगर देन रोहित, और बिगेस्ट हो जाएगा। उसी तरह डीम है, डीमर हो जाएगा, डीमेस्ट, फैट है, फैटर और फैटेस्ट, हॉट है, हॉटर, हॉटेस्ट हो जाएगा, थिन है तो थिनर और थिनेस्ट हो जाएगा। उसी तरह चौथे नंबर पे देखते हैं कुछ कंपेरेटिव और सुपरलेटिव जो होते हैं मोर और मोस्ट से बनाते हैं, हमने देखा भी होगा, जैसे कि एक्टिव होता है तो मोर एक्टिव है और मोस्ट एक्टिव पर्सन है, अट्रैक्टिव कोई है तो मोर अट्रैक्टिव पर्सन मोस्ट अट्रैक्टिव होता है। तो ये आपको ऐसा नहीं कि इसमें कोई रूल नहीं है कि जैसे कि इसमें कोई वाउल कॉन्सोनेंट हो तो पहचाना ही है, जैसे ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल होता है।
ब्रिलियंट है, तो मोर ब्रिलियंट और मोस्ट ब्रिलियंट, केयरफुल मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल, इस तरह को समझना होगा। और उसमें मोर मोस्ट लगाते हैं, ये कोई रूल के अंतर्गत आता नहीं है, बस इसमें मोर और मोस्ट जोड़कर बनाते हैं। फाइव देखेंगे तो जिस भी एडवर्ब में एलवाई लगा हो और उसके पहले मोर लगाकर कंपेरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे कि स्विफ्टली, एलवाई लगा हुआ है तो मोस्ट स्विफ्टली और मोर होगा, यहाँ पे फर्स्ट में कंपेरेटिव है मोर स्विफ्टली और मोस्ट स्विफ्टली होगा, रॉन्ग टाइपिंग है तो मैनेज कर लीजिए, मोर होगा मोर स्विफ्टली और मोस्ट स्विफ्टली। स्किलफुली है तो मोर स्किलफुली मोस्ट स्किलफुली, ब्यूटीफुली मोर ब्यूटीफुली मोस्ट ब्यूटीफुली, वीजली है मोर वीजली मोस्ट वीजली, केयरफुली मोर केयरफुली और मोस्ट केयरफुली। अगर कोई भी एडवर्ब होगा उसके अंत में एल वाई लगा होगा तो उसमें कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाएंगे। आगे की तरफ चलेंगे तो जैसे कि कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं जिनमें कंपेरेटिव और सुपरलेटिव नए वर्ड आते हैं, जैसे कि बैड है, बैड में नया अगर वर्ड जोड़ेंगे तो वॉस आ जाएगा और वॉस्ट बोले, और एविल है तो एविल में भी वॉस हुआ वॉस्ट होगा, गुड है गुड का बेटर हो जाएगा और बेस्ट हो जाएगा, मतलब नए नए वर्ड आए, जरूरी नहीं कि जैसे गुड है तो गुडर होता है गुडेस्ट हो, नहीं, गुड का बेटर हो जाएगा और सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट, तो इसको आपको तो याद ही करना पड़ेगा, अगर याद कर लेते हैं तो ठीक है। जैसे कि फार है, फर्दर होगा फर्दरेस्ट हो जाएगा, वेल है बेटर होगा बेस्ट होगा, लेट होगा तो लेटर हो जाएगा लेटेस्ट हो जाएगा, लिटिल है तो लेस हो जाए लिस्ट हो जाए, मच है मोर मोस्ट, नियर है नियरर नियरेस्ट, मेनी है तो मोर मोस्ट हो जाएगा, ओल्ड है ओल्डर ओल्डेस्ट, कहीं ओल्ड का एल्डर होता है एल्डेस्ट होता है। तो ये था, इसको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, नए नए वर्ड्स होंगे तो हम आगे देखते हैं। ये है आपको, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सब मिस्ड है बुक्स में, मैंने देखा था तो उसका लगा दिया, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जैसे कि वाइज है वाइजर भी सब इसमें तो था, लेकिन इसमें जो जो है शायद कुछ में हमने नहीं बताया, जैसे कि इसमें हार्म है हार्मफुल है तो मोर हार्मफुल मोस्ट हार्मफुल है, जैसे बिजी है बिजी और बिजीएस्ट, डियर है डियर आर डियरेस्ट, नियर है नियर आर नियरेस्ट, इससे बहुत ऐसा है जिसका आपको पढ़ने से, जैसे डिफ़िकल्ट मोर डिफ़िकल्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट, जेंटल है मोर प्लीजेंट मोस्ट जेंटल, 59 देखिए जेंटल मोर प्लीजेंट मोस्ट प्लीजेंट, ये सब कुछ नए नए वर्ड्स हैं इसमें। जैसे 42 देखेंगे तो एबल है एबलर है एबलेस्ट है, 39 देखिए फाइन है फाइनर फाइनेस्ट, और उसी तरह है आपका बैड है, 68 देखिए बैड एविल और इल, तीनों का जो होगा एक ही होगा, जैसे कि वॉस है वॉस्ट एकदम बेकार चीज़ है, जैसे कि गुड और वेल का भी हमने देखा था सेम ही था वैसे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ये आपको 75 है आपके बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे, याद कर लीजिएगा इसको। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जाने के पहले सब्सक्राइब कर लिए और नहीं किए हैं तो लाइक तो कर लीजिए, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने, चलिए।